तो आप मन कहाँ से आए हैं दर्शन करने के लिए? दुर्पा से आए हो? कब पता चली आप मन ला कि यहाँ? अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? वही आदर्श। वही आदर्श? नहीं नहीं आदर्श। पूरा नाम बताओ भाई स्कूल का अपना। नीम के पेड़ से यहाँ से दूध निकला थे, तो आप मन ला कैसे लगा था? बढ़िया है। बढ़िया है? हाँ बढ़िया है। तो यहाँ पूजा, यहाँ पे साथ ही साथ बजरंग बली जी का मूर्ति भी है, देख सकते हो आप लोग। हम ना मांगे हो बताओ तो एक बार। नहीं नहीं कुछ तो मांगे हो, बताइए बताइए बताइए। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ। अच्छा, फल से समाज पौधा से लिंग पौधा से निकल। तो भाई नाबालिग हो गए, बाइक मत चलाया करो, ठीक है? क्या कि अभी ना अच्छा तो मीठा लग रहा है, मीठा लग रहा है। तो आपको हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपको दोस्त मनीष और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मनीष पटेल में। तो हम लोग आ जाए हैं मुरपार, जो कि सूर्यनारायण के पास में स्थित है, और यहाँ पे सुनने में आया कि नीम के पेड़ से मीठा दूध निकल रहा है। तो चलिए यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग, यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं और इस बात में कितना सच्चाई है आप लोग को बताते हैं दोस्तों। तो चलिए भाई, आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम प्रभास गोस्वामी है, मैं मुरपार का निवासी हूँ। यहाँ पे नीम के पेड़ से मीठा दूध निकल रहा है, तो माँ शीतला का महिमा है। तो यहाँ का लोकेशन बता दो पहले, आप जैसे कोई दर्शक श्रद्धालु कर आना चाहेंगे तो कहाँ से कैसे आएंगे बताइए आप। सूर्यनारायण से 7 किलोमीटर है मुरपार। मुरपार कौन सी दिशा में है? सूर्यनारायण केरा रोड में है। केरा रोड में, और केरा से भी 7 किलोमीटर दूर में। इधर आप इधर दिखा दो एक बार भाई, इधर सूर्यनारायण है, यहाँ से आओगे आप लोग तो 7 किलोमीटर, और इधर केरा है सामने में, यहाँ से भी आप आओगे तो 7 किलोमीटर। तो ये कब से हो रहा है आप बताइए थोड़ा सा। ये अभी 2 दिन हो गया। 2 दिन हो गया। तो आप लोग को कैसे जानकारी हुआ कि यहाँ से दूध निकल रहा करके? यहाँ पे एक जन गैया खरीदने के लिए आए थे। हाँ, उसके हाथ में टिपका। हाँ, तो फिर देखें, फिर जाने दें। तो उसको एक बार टेस्ट करके देखें कैसा लग रहा है? टेस्ट करके देखें तो मीठा लग रहा है। मीठा लग रहा है। तो आपको बने रही वीडियो पे, आप लोग को हम दिखाएंगे दूध कहाँ से निकल रहा है उसको, और यहाँ के और श्रद्धालु आए हुए हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। तो दादाजी इधर आइए थोड़ा सा, अभी आइए ना, आइए ना, आइए ना। आप अपना नाम बताइए ना, और बता आप भी बताइए थोड़ा सा क्या है कैसा है करके। राम मुरपार। हाँ, राम मांगले जी। और कल से समाज पौधा से लिंग पौधा से निकल रहा है। गांव के बारे में और थोड़ा सा बताइए, गांव में कुछ और ऐसा पहले कभी हुआ है या पहली बार ऐसा हुआ है? नहीं पहली बार हुआ है। तो गांव के बारे में थोड़ा सा और बताइए कि जैसे कि, और इधर दिखा देते हैं आप लोग को, यहाँ पे प्रसाद वितरण अभी चालू हो चुका है। और भाई थोड़ा सा धरोहर को दिखा दो, देखिए देखते देखते कितना भीड़ लगने स्टार्ट हो चुका है। और भाई ये मुरपान में जैसे कि एक बार और हम लोग आपको वीडियो में दिखाए थे कि यहाँ पे किशनपुर में जो शिवलिंग प्रकट हुआ था, उसी प्रकार यहाँ पे भी नीम के पेड़ से मीठा दूध निकल रहा है। तो चलिए आपको हम लोग दूध को दिखाते हैं। तो भाई यही है वो नीम का पेड़, और आपको दिखाते हैं हम दूध को, थोड़ा जूम करना पड़ेगा लग रहा है। चलिए थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं आपको। ये जो दिख रहा है यही है दूध। तो भाई इस जगह का नाम क्या है? अटल चौक है नाम का, नाम अटल जगह का नाम अटल चौक जी। और इस जगह का नाम है अटल चौक, और जैसा कि आप लोग को दिखा देता हूँ एक बार आसपास को, यहाँ पे हाँ ये जो है यहाँ पे साइड में ही यात्री प्रतीक्षाला है। आपको थोड़ा सा मेन रोड को भी दिखा देते हैं, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप बस सुविधा है यहाँ पे, सूर्यनारायण तक बस आता है, और इधर इधर केरा रोड भी जाता है बस। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग यात्री प्रतीक्षाला है। तो गाइस चलिए हम लोग भी थोड़ा सा प्रसाद ले लेते हैं, उसके बाद और आपको अधिक जानकारी देंगे। चलिए भाई प्रसाद खिला दीजिए मेरे को भी। और मैं यहाँ पे आया था तो भजन वगैरह चल रहा था, लेकिन मैं वीडियो बनाने के लिए म्यूजिक को बंद कराया हूँ। यहाँ पे पूरा माहौल बन चुका है। यहाँ पे देखिए नारियल वगैरह चढ़ाया गया है, और
दान भी किया गया है यहाँ पे पैसों का। धन्यवाद भाई, धन्यवाद भाई। तो चलिए आपको आसपास का नज़ारा भी दिखा देते हैं थोड़ा सा कि यहाँ का माहौल क्या है। और भाई यहाँ पे देखते ही देखते भीड़ उमड़ रही है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में चमत्कार होना कोई नया बात नहीं है। जगह जगह पे कुछ ना कुछ नया नया चमत्कार होते ही रहता है। हाँ भाव, तो एक मिनट मैं पूजा कर लेता हूँ भाई, उसके बाद दिखाता हूँ आप लोग को। अरे तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, दूर दूर से श्रद्धालुगण आ चुके हैं और यहाँ पे पूजा पष्ट कर रहे हैं। और ये जगह भाई मेन रोड से लगा हुआ है, देख सकते हो आप लोग, ये स्टेट हाईवे रोड है ये, जहाँ पे जो भी टूरिस्ट हैं वो यहाँ पे रुक रुक के पूजा पष्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे भी नारियलों को चढ़ाया जा रहा है और यहाँ पे साथ ही साथ बजरंग बली जी का मूर्ति भी है, देख सकते हो आप लोग। चलिए थोड़ा सा और जूम करके दिखा देते हैं एक बार और आप लोग को। यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि प्रसाद वितरण हेतु हमारे बड़े भाई कैसे नारियल फोड़ रहे हैं, और देखिए तो आप मन कहाँ से आए हैं दर्शन करने के लिए? दुर्पा से आए हो? कब पता चली साहब मन ला कि यहाँ पे नीम पेड़ से दूध निकला करके? कल कल। आप मन कहाँ से आए भैया? दुर्पा से ही। अच्छा, आप मन के नाम का है? संतोष कुमार जाहिर। तो आप मन कल पता चली? कल पता चले शाम को। अच्छा ठीक। तो आप मन कहाँ से आया भाई दर्शन करेला? गायज किया यहीं से। आप मन कब पता चली कि यहाँ पे दूध से दूध निकला नीम के पेड़ से करके? आई कल क्या हुआ? तो आप मन कैसे लगा यहाँ पे नीम के पेड़ से दूध निकला था? नीम के पेड़ से यहाँ से दूध निकला थे, तो आप मन कैसे लगा था? बढ़िया है। बढ़िया है? हाँ बढ़िया है। तो यहाँ पूजा पाठ कर आता था नहीं आप मनता? अब आबो नहीं। अब आहा का दे। हाँ ठीक ठीक। और भाई इसमें केवल नीम का ही पेड़ नहीं है, साथ ही साथ इसमें पीपल का भी पेड़ दिखाई दे रहा है, देख सकते हो आप लोग। यहीं पे पास में ही यात्री प्रतीक्षालय है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे डीजे वगैरह लगाया भी गया था, जो कि बाजा मैं बंद करवाया हूँ क्योंकि यहाँ पे वीडियो बनाते नहीं बन रहा करके। तो यहाँ पे माहौल बहुत ही शानदार है भाई। और चलिए भाई लोग से भी पूछते हैं, भाई आपको कैसे पता चला यहाँ पे नीम पेड़ में दूध निकल रहा है करके? पूरा गाँव में फैल गया था इसलिए। गाँव में फैल गया है? कब कब से निकल रहा है यहाँ पे दूध? कल से। कल से? कल 4 बजे से। तो कितना दूध निकला है? आपने टेस्ट करके देखा है? टेस्ट करके देखना है यार, तभी तो पता चलेगा कि कैसा है दूध करके। मीठा है। मीठा है करके? हाँ। तो आप पूजा पष्ट करने के लिए आते हो कि नहीं यहाँ पे? आए थे। आए थे? कल आए। तो क्या मनोकामना मांगे हो बताओ तो एक बार। नहीं नहीं कुछ तो मांगे हो गए, बताइए बताइए बताइए। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ। अच्छा कौन क्लास में हो आप अभी? 9th क्लास में। कहाँ पढ़ने जाते हो? कोरबा। तो मुरपार से कोरबा पढ़ने जाते हो? नहीं। तो वहीं रहते हो?
अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? वही आदर्श। वही आदर्श? नहीं नहीं आदर्श। पूरा नाम बताओ भाई स्कूल का अपना। भूल गया हूँ, अभी अभी न्यू भर्ती। अच्छा, न्यू एडमिशन हो। चलो ठीक है, ओके भाई। तो भाई नाबालिग होकर बाइक मत चलाया करो, ठीक है? क्या कि अभी ना, अच्छा तो पैदल आया करो। यहाँ पे ना नया रूल लागू हो गया, जानते हो कि नहीं? अभी नहीं जानते। अगर ना आपका लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, 18 साल से अगर कम हो आप, तो आपको 2000 जुर्माना लगेगा, ठीक है? हाँ ठीक, ओके ओके। तो चलिए दोस्तों, आप चलते हैं, अपना भी जाने का वक्त हो चुका है। तो चलिए हम लोग चलते हैं और वीडियो को आज का यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप लोग के कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहा था कि कहां कहां पे चमत्कारी चीज़ें हो रहा है, तो हम लोग यहां पे आ चुके हैं मोरबाड़ में और यहां पे आके आप लोग को नीम के पेड़ से दूध निकाल रहा है उसको दिखाया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें भाई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, अभी के लिए बाय।